नीमच जिला परिवहन कार्यालय ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया। आरटीओ एवं यातायात पुलिस ने गुमाबाई अस्पताल के चिकित्सकों की सहायता से स्थानीय प्राइवेट बस स्टैंड पर शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में गुमाबाई नेत्रालय के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने नीमच जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन द्वारा चिन्हित समस्त बस चालक व परिचालकों के नेत्रों का परीक्षण कर उचित परामर्श दिया। इस दौरान कई बस चालकों व परिचालकों को नंबर के चश्मे भी प्रदान किए गए। इस मौके पर वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने शिविर स्थल पहुंचकर जिम्मेदार अधिकारियों से बात की। आइए सुनते हैं शिविर को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या कुछ अधिकारी बोले हैं। देखिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चल रहा है 11 से 17 जनवरी तक, जिसमें हमारे द्वारा फर्स्ट डे में हमने महाविद्यालय कॉलेज में लर्निंग लाइसेंस के लिए फ्री कैंप लगाया था और आज हमने नेत्र परीक्षण के लिए बस स्टैंड पर कैंप लगाया है। इसके साथ में हम लगातार सड़क दुर्घटनाओं के संबंध जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, वो लगातार जारी रहेगा। इसमें अभी तो ड्राइवर कंडक्टर जो बसेस के उनकी क्या बोले 7 दिन का है सड़क सुरक्षा सप्ताह, उसे पूरा में कार्यक्रम चलेंगे इसमें। सर अब तक कितने लोग? अभी 50 समथिंग हो गए हैं, अभी 50 ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मिलकर। नीमच से मुश्ताक अली शाह के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।